तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर नेक्स्ट कंपनी में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या मेरी सैलरी अगर मैं बढ़ा के बता रहा हूँ या जो प्रीवियस कंपनी में सैलरी है वो अगर मैं सैलरी बढ़ा के बता रहा हूँ तो क्या वो कंपनी सैलरी चेक करती है? क्या प्रीवियस कंपनी से सैलरी का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और ये एक बहुत बड़ा डाउट है, तो उसको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहना, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बिल्कुल होता है, सभी कंपनीज में होता है और प्रीवियस कंपनीज के आपके एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर या ज्वाइनिंग ऑफर लेटर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी नेक्स्ट कंपनी यानी कि जिसमें आप स्विच कर रहे हो वो नेक्स्ट कंपनी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि जो प्रीवियस कंपनी आप इस कंपनी में काम कर रहे हो नेक्स्ट कंपनी को आपको सैलरी बता देगी। आप अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर आपकी सैलरी 15,000 है करेंट कंपनी में जिस पे अभी आप काम कर रहे हो उसमें अगर 15,000 है और नेक्स्ट कंपनी में अगर आप बता देते हो कि मुझे यहाँ पे यानी कि प्रीवियस कंपनी में मुझे 20,000 मिलता है, तो वो 20,000 मान लेंगे यानी कि वो उतनी सैलरी कंसीडर आपको करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पे सैलरी स्लिप वो लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें ऑफर लेटर देखते हैं प्रीवियस कंपनी का, तो वो चीज़ें वहाँ पे वो वेरिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे वो क्लियर करते हैं आपके ऑफर लेटर और आपकी सैलरी स्लिप। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि प्रीवियस कंपनी से, वो पहली बात तो कंपनी में ये रूल होता है कि वो कंपनी कभी पूछती नहीं है नेक्स्ट कंपनी, और जो प्रीवियस कंपनी है वो कभी शेयर करती नहीं है। ये तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये तो कंपनी की बात हो गई। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो जब तक आप वहाँ पे आपका जो टीम मेट होगा यानी कि जो आपका कॉलिग्स होगा ना उसकी भी सैलरी आपको नहीं पता होगी। इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है सैलरी, जो कि आप एक कंपनी में रह के जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसी कंपनी में रह के आपको लोगों की सैलरी के बारे में पता नहीं चलेगा कि उस बंदे की कितनी सैलरी है, उस बंदे की कितनी सैलरी है, उस बंदे की कितनी सैलरी है, तो आपको वही पता नहीं चलेगा। वो बात अलग है जो मतलब यार दोस्त हो जाते हैं, अच्छी उनसे फ्रेंडशिप हो गई तो वो आपस में शेयर कर देते हैं कि हाँ यार मुझे 30 मिल रहा है, मुझे 25 मिल रहा है, मुझे 50 मिल रहा है, तो वो शेयर कर देते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जब तक आपकी एक अच्छी खासी दोस्ती नहीं हो जाती तब तक वो लोग भी आपको सैलरी नहीं बताएंगे, सैलरी नहीं शेयर करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ एक कंपनी, एक ब्रांड, एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वो कभी कभी भी सैलरी शेयर नहीं करती हैं अपने एम्प्लॉय की किसी नेक्स्ट एम्प्लॉय में। ये हर एक कंपनी की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है जो कि नेक्स्ट कंपनी को नहीं बताती। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो डाउट है या कन्फ्यूजन है तो ये बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दो कि मेरी सैलरी जो करंट कंपनी में वो नेक्स्ट कंपनी पूछेगी तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें बाकी वो आपको मैनेज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि मुझे कैसे मैनेज करना है। अगर 15 है आपकी सैलरी, अगर 20 बताना है तो 20 के हिसाब से सारी चीज़ें ऑफर लेटर सैलरी स्लिप मैनेज होगी। अगर आप जितनी है उतनी बता रहे हो तो फिर आप में आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वो आपको चेक करना है कि अपने एंड से कि मुझे आगे नेक्स्ट कंपनी में क्या करना है या कैसे करना है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब वो आप कैसे कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी सैलरी से बढ़ा के भी बताना चाह रहे हो तब भी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, अब जितनी है उतनी बताना चाह रहे हो तब भी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक टेक्निकल वे से चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी कि एक्चुअली में जॉब भी ना जाए, जॉब भी मिल जाए और सैलरी भी अच्छी खासी वहाँ पे मिल जाए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड कलर का बटन दे रहा हो तो वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। एंड अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम के आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। और जॉब्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड के लिए मेरी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेक करें, वहाँ पर मैं डेली जॉब्स अपडेट करता रहता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।